हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोबारा से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाय द टाइटल इटसेल्फ यू माइट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट वी आर गोना ब्लीड द ब्रेक्स ऑफ द कार। तो हम आज कार के ब्रेक को ब्लीड करने वाले हैं। हम ब्रेक्स क्यों ब्लीड करते हैं? क्योंकि ब्रेक में यूज होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर ब्रेक ऑयल। ठीक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है इसलिए इसमें ब्रेक ऑयल रहता है। एंड दीज ब्रेक ऑयल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर विच मीन्स इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ओवर टाइम। जो मॉइस्चर होता है ये ब्रेक फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि ब्रेक्स में काफ़ी सारे आयरन पार्ट्स होते हैं वो इंटरनली उनको रस्ट करवा देता है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ब्रेक फ्लूइड वी आर गोना ड्रेन एज मच एज ऑयल फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिजर्वायर। पहले ऊपर के जो रिजर्वायर है उसमें से हम जितना ऑयल निकाल सकते हैं उसको निकाल लेंगे, ताकि उसको पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में पास ना होना पड़े। तो हम लोग ने एक सिरिंज ले लिया है और उस सिरिंज के यूज़ से हम लोग पूरा जो ऑयल है उसको ऊपर से पहले निकाल लेंगे, जितना निकाला जा सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस सुजुकी कंपनी यू शुड बी यूजिंग दी वाइट कलर और ट्रांसपेरेंट डॉट थ्री फ्लूइड, बट सम हाउ द सर्विस इंजीनियर्स आउट हियर इन हैदराबाद रिप्लेस्ड इट विद द रेड कलर वन। आई वॉज नॉट ओके विद दैट, आई एनीवेज हैड टू रिप्लेस इट। सो लेट्स गो अहेड एंड फिल अप द राइट ग्रेड ऑफ डॉट थ्री विच कम्स फ्रॉम एक्सटार विच इज़ अ सुजुकीज ब्रांड। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है जो सुजुकी से आता है डॉट थ्री फ्लूइड, उसको हमने डाल लिया। पहले टॉप अप कर लिया है हमने जितना मैक्सिमम भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा ब्लीडिंग प्रोसेस। The first thing that we have to do is to remove the rear wheel because the bleeding plugs of the rear wheel is a little hard to reach. तो उसके लिए wheel निकालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। Front wheel में आपको wheel निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास उतना space होता है। Rear wheel में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग wheels को पहले निकाल लेंगे। So here I am using my company provided jack to lift up the car. I already have jack stands, so I don't have to depend on the jack to hold the car up, which is also not a safe way of doing it. तो मैं जैक स्टैंड पे लगा लूंगा कार को। सो आई हैव टू जैक स्टैंड सो आई कैन डू टू रियर व्हील्स साइमल्टेनियसली, बट आई विल बी शोइंग ओनली वन इन द वीडियो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फार्थेस्ट व्हील फ्रॉम द ड्राइवर वेयर द ब्रेक पैडल इज प्रेजेंट। जो सबसे दूर वाला व्हील है ब्रेक पैडल से वो आपका पहला वाला होना चाहिए जहाँ से आप ब्लीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने रियर व्हील का जो ड्रेन प्लग है उसके ऊपर लगा हुआ कैप को बाहर निकाल लिया है, और एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ करके हम लोग इसका जो कंटेनर है उसको बना लेंगे जहाँ पे कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो ड्रेन होके वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर गोना डू अ वर्क अराउंड टू कलेक्ट दी यूज्ड ब्रेक फ्लूइड एंड आई विल बी यूजिंग अ स्मॉल बॉटल एंड द पाइप टू डू द जॉब। All these equipments will be available with you mostly, or you can just source them from the nearby hardware store. These are not hard to find equipments that I'm using in the video. So we have created this simple workaround where we are using a zip tie to seal the pipe properly onto the drain plug. Drain plug पे pipe को properly seal करने के लिए zip tie का use करना है। अगर आप properly seal नहीं करेंगे तो air यहाँ से introduce हो जाएगा, और एक बार अगर आपका air bubble system में आ जाए तो आपके जो brakes है वो काफ़ी spongy हो जाते हैं। So to avoid any kind of air contamination into the system, always make sure that the pipe or the exit pipe is sitting tightly on the drain plug, which over here I have achieved by using a zip tie. Also note that always create an inverted C shape from the drain plug to the container where you're draining the fluid into. This inverted C will make sure that the brake fluid actually travels upwards, which is anti-gravity, and then falls onto the container where you want it to flow. ओके, तो आपको रिवर्स सी या इन्वर्टेड सी के शेप में रखना है पाइप को, ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो आपके ब्रेकिंग सिस्टम से बाहर निकल के पहले एंटी ग्रेविटी मतलब ऊपर के तरफ ट्रैवल करे और फिर जाके एक बॉटल में गिरे। उससे होता ये है कि जब आप अकेले ये वाला काम कर रहे हो तो जब आप ब्रेक पैडल को दबा रहे हो और फिर आप छोड़ते हो तो ऑयल वापस आता है पर एयर बबल्स वापस नहीं आ पाता, क्योंकि ऑयल इज़ हैवियर दैन एयर। And that makes sure that air is always on the top and the brake fluid is what remains in the system. So make sure that you are always using this inverted C shape in order to avoid any kind of contamination of air bubbles into the braking system. Inverted C is going to help you do this process single-handedly where you don't have an helping hand. So all you have to do once you have started the process is to drain as much fluid as possible till you see the clear brake fluid that you have topped up the upper reservoir with come out of the system. That is where you can stop the process. यहाँ पे आप रोक सकते हो जहाँ पे कि आपको बिल्कुल clear fluid दिखने लगे pipe से आते हुए,
और उसके बाद आप फिर से ड्रेन प्लग को सील कर देंगे। ड्रेन प्लग बहुत ही आसानी से खुलता है, इट्स जस्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जस्ट लाइक एनी अदर नट और बोल्ट। मेक श्योर दैट यू चेक द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रेक फ्लूइड्स, कौन सा यूज़ करना है, डॉट थ्री या डॉट फोर, जो भी आपका कंपनी से रिकमेंडेड रहेगा आप वही वाला यूज़ कीजिए, अपने मन मर्जी के हिसाब से मत डालिए। आप लोग अपग्रेड कर सकते हो डॉट फोर पे, बट पूरा सिस्टम अच्छे से ड्रेन होना चाहिए जब आप अपग्रेड कर रहे हो। बिल्कुल भी डॉट फोर और डॉट थ्री को मिक्स मत होने दीजिए, दैट कैन समटाइम्स टर्न आउट टू बी कैटास्ट्रॉफिक, क्योंकि ब्रेक लाइन्स कभी कभी कट हो जाते हैं। आई जस्ट पुट बैक द ड्रेन प्लग्स कैप द वे आई हैड रिमूव्ड इट। लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील का जो कैलिपर है उसके ऊपर होगा आपका ड्रेन प्लग इस तरीके से। इसके ऊपर भी सेम रबर का कैप है, उसको निकालना है खींच के। सिंपल पुल मैकेनिज्म, यू जस्ट पुल इट आउट एंड द कैप कम्स आउट, एंड वी वुड रिपीट द सेम प्रोसेस वेयर वी इंसर्ट द पाइप ओवर देयर ऑनटू द ड्रेन प्लग और द ड्रेन निपल, एंड ऑलवेज यूज द जिप टाई टू मेक श्योर इट इज एयर टाइट। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, द मोमेंट आई रिमूव द ड्रेन बोल्ट ओवर हियर, अ लिटल बिट ऑफ ब्रेक फ्लूइड स्टार्ट्स लीकिंग। दैट इज ओके, दैट्स हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, आई कैन नॉट चेंज दैट। विल प्रोसीड विद पंपिंग द ब्रेक दैट लाइक वी डिड फॉर द रियर ब्रेक्स। अगेन वी विल मेक द इन्वर्टेड सी। यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड सी बनाना है ताकि जो ब्रेक ऑयल है सिर्फ वो बाहर आए, और जब आप पैडलिंग या फिर पंपिंग छोड़ दे ब्रेक को तब कोई भी एयर बबल वापस ना जाए। सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हियर, क्रिएट दैट इन्वर्टेड सी एंड मेक श्योर दैट नो एयर बबल गेट्स back into the system. Only the brake fluid, which being heavier, will get back into the system when you stop pumping the brakes. Once you are done with the bleeding and the clear fluid comes out, you just seal the drain plug back into place. That's all you have to do. We end the process by cleaning the reservoir and the cap and put everything back. थोड़ा सा टॉप अप और करना है हमको रिजर्वायर में, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी आपको टॉप अप करते रहना है ताकि जो रिजर्वायर है वो खाली ना हो जाए। खाली होते ही जो एयर है वो इंट्रोड्यूस जाएगा सिस्टम में। वी हैव टू मेक श्योर वी कीप द रिजर्वायर ऑलवेज टॉप्ड अप सो दैट एयर बबल्स डू नॉट गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम अगेन। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप यूज्ड ब्रेक पैड्स के ऊपर इस कंटेनर को या रिजर्वायर को फुल मत कीजिए। नेवर एवर fill up the reservoir up to the brim when your brake pads are used, because once you change the brake pads your reservoir is gonna leak the brake fluid as it will cross the maximum limit of the reservoir. So if you have watched the video till here, I hope you liked it and you learned something new today. If you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये DIY, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ जानना है तो जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।